जय गुरुदेव, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः आज पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चेतना क्या है। इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे कि चेतना का विकास कैसे संभव हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चेतना क्या है, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम अपने जीवन में दैनिक क्रिया कलाप जो भी हम करते हैं वो हम नहीं करते, बल्कि एक चेतन है शक्ति वो करती है। तो हमारे शरीर में जो चेतना है वो ये काम करती है कि हाथ पैर चलते हैं, मेरा दिमाग चक्कर चलता है और अपने जीवन से जुड़ी हुई कई बातें कई काम हम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। तो हम क्या केवल इसीलिए केवल इस दुनिया में आए हैं? हम इससे भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में आके बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया भी है। तो हमारा एक काम ये है कि इस दुनिया में आके अपनी जो चेतन शक्ति है, इस चेतन शक्ति को और भी शक्तिशाली बना सके। और ये जो चेतन शक्ति को अपनी जो चेतना की शक्ति है उसको हम कैसे और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं और शुद्ध कर सकते हैं? जब तक आपकी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक आप अच्छे कार्य कर ही नहीं सकते। या यूं कहें कि आपको ये लगेगा कि जब हम अगर अच्छे काम करेंगे तो इस दुनिया में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। लोग कहते भी हैं कि अगर ईमानदार रहोगे तो तुमको रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। वो कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, वो लोग कहते हैं, क्योंकि वो लोग पहले ही हार गए। तो हमको हारना नहीं है। अगर हम हार जाएंगे इस दुनिया में रहकर तो फिर जीतेगा कौन? क्या पशु पक्षी जीतेंगे? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विकास मनुष्य ने किया तो अपनी चेतना विकसित की ना, तभी तो किया। तो अब हम जिस चेतना में रहते हैं, जिस चेतन शक्ति में रहते हैं, तो इससे भी ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, उस प्रभु को से संपर्क कर सकते हैं जिस प्रभु को पाने के लिए हम देवी देवताओं को पूछते हैं कि हमको हनुमान जी के भी दर्शन हो जाए, मुझको दुर्गा जी के भी दर्शन हो जाए, सबके दर्शन हो जाए। और वो दर्शन कब होंगे आपको? जब आपकी चेतना शुद्ध होगी। तो हम इसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं? शुद्ध हम इसको कर सकते हैं योग से। अब योग क्या है? योग कुछ लोग ये समझते हैं कि अपने शरीर को मैंने टेढ़ा कर दिया, मेढ़ा कर दिया, जिसको हम योगा कहते हैं, ये योग है, इससे मेरी चेतना शुद्ध हो जाएगी। तो वो योगा है, उससे आपका शरीर संतुलित रहता है, उससे चेतना का कोई भी संबंध नहीं, उससे चेतना शुद्ध नहीं होगी। योग एक अलग चीज है। योग का मतलब होता है जोड़ना। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको 2 और 3 को जोड़ना है,
तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे? एक तकनीक के माध्यम से उसको जोड़ने की तकनीक होती है। तो उसे एक दो को आपने जोड़ के बता दिया कि ये पांच है, वो सॉरी एक दो को जोड़ के आपने ये बता दिया कि ये तीन हो गए, दो तीन को जोड़ के ये बता दिया कि ये पांच हो गए। तो उस तकनीक, अगर आप वो तकनीक ना जानते होते तो आप इसको नहीं जोड़ पाते। आपको अगर तकनीक मालूम है, मैथमेटिक्स की आपने अगर पढ़ाई की है, तभी आप जोड़ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं जोड़ पाएंगे। उसी तरीके से हमको भी जोड़ना है, इस जो चेतना हमारे अंदर जो काम कर रही है, इस चेतना को उस चेतना से हमको जोड़ना है जो इस पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है। अब उस तकनीक को हमको जानना पड़ेगा, और उसको जानने के लिए आपको इस युग में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं। पहले हुआ करती थी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। एक कलयुग ही ऐसा एक युग है जिसमें हम अपनी चेतना को बहुत आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। हम अपनी चेतना को उस चेतना से बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। क्योंकि एक दोहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इस युग में भगवान की प्राप्ति बहुत ही सरल है। पहले भगवान को खुश करने के लिए, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए व्यक्ति 100 साल, 1000 साल, 500 साल तपस्या किया करता था, ध्यान किया करता था। लेकिन इस युग में बहुत आसान हो गया, हम अपनी चेतना को बहुत आसानी से वहां तक पहुंचा सकते हैं। और वो आनंद हम की प्राप्ति हम कर सकते हैं जिस आनंद के लिए हम मंदिरों मंदिरों मस्जिदों मस्जिदों भटकते रहते हैं। और वो तकनीक है, हमारे वेदों में ही छुपी हुई है। और वो छुपी क्या है, वो सर्व अब कुछ लोगों ने उसको हर जगह ध्यान कर दिया, पूरे विश्व में उस ध्यान का प्रचार प्रसार कर दिया है। अब तो बहुत आसानी है कि हम अपनी चेतना को और भी अधिक विकसित कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। मात्र आपको 20 मिनट सवेरे सुबह और 20 मिनट शाम को ध्यान पर बैठना, और वो ध्यान है भावातीत ध्यान। उस भावातीत ध्यान को सीखकर आप अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तो आपका मन भी शुद्ध तथा निर्मल हो जाएगा। और जब आपका मन शुद्ध तथा निर्मल हो जाएगा, तो उस मन के द्वारा जो भी आपके विचार मन से होके जब गुजरेंगे, तो वो भी आपके शुद्ध तथा निर्मल विचार होंगे। आपके अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ, ये कुछ भी नहीं रहेगा। बस आपको वो तकनीक सीखनी है।
बहुत ही आसान तकनीक है और उसका नियमित अभ्यास करना है आपको, क्योंकि हम लोगों का एक ही एक मात्र उद्देश्य है कि लोगों को आध्यात्मिक बनाना, क्योंकि इस समय जो अगर हमें कोई भी कार्य करना पड़ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझाना भी चाहता हूँ, उदाहरण देखें, हमें कोई अगर काम करना पड़ता है, कोई भी काम करें हम, तो उसका हमें सबसे पहले ढांचा तैयार करना पड़ता है। जब हम उसको ढांचा तैयार कर लेंगे तो वो हम काम आसानी से कर सकते हैं। एक मूर्तिकार जो होता है तो पहले मूर्ति बनाता है, बनाने को होता है तो वो मूर्ति का ढांचा पहले तैयार करता है और फिर बाद में मूर्ति बनाता है वो, तो उसे मूर्ति बनाने में आसानी रहती है और वो जल्दी ही उस मूर्ति को बना लेता है। तो सबसे पहले मुझको एक ढांचा तैयार करना है, जो आपके जो भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध थे, अगर कोई राजा उनको अगर वहाँ पे बुलाता था अपने राज्य में कि हम महात्मा जी आप मेरे राज्य में आइए, आपका स्वागत है, तो उनकी एक ही शर्त रहती थी उस राजा से कि मैं आपके यहाँ आऊँगा तो, लेकिन आपको एक ध्यान केंद्र और एक बगीचा आपको बनाना पड़ेगा, और जब आप वो बना देंगे उस दिन मैं आऊँगा उसी ध्यान केंद्र और बगीचे में उस राज्य में। तो उनका मेन मकसद क्या था, ढांचा तैयार करवाना। और अगर हमको ढांचा अगर मिल जाता है, ढांचा मैंने तैयार कर दिया, तो हम अपने काम में कामयाब जरूर हो जाएंगे, अपनी मूर्ति बनाने में के में काम में भी मूर्ति बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे और अपना कार्य करने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो इस समय क्या है पोजीशन हमारे देश में, वो ढांचों को निरंतर कमी आ रही है। जो ढांचा हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किया था, पहले ध्यान केंद्र खोले थे और जो ढांचा तैयार किया था कि आध्यात्मिक लोगों को बनाएंगे, उन ढांचों में निरंतर कमी आती चली जा रही है। दिल्ली और मुंबई के शहरों में आपने देखा होगा कि कितने शराब खाने हैं, कितने क्लब हैं। वो एक ढांचा तैयार किया उन्होंने कि व्यक्ति नशे में रहे, एक ढांचा ये तैयार किया व्यक्ति नशे में रहे। और अपने यहाँ आध्यात्मिक केंद्र कितने हैं, क्या कोई है? नहीं है ना। तो उन्होंने जो ढांचा तैयार किया, शराब खाने खोले, वो क्या है, उसका नतीजा क्या हो रहा है आज कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वो नशे की लत उनको लग रही है, वो उस ढांचे में केंद्र में जाते हैं, वहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा उनको, वो आप तो जानते ही, तो वो क्या होंगे, वो नशे की लती हो जाएंगी। तो हमें ऐसा एक ढांचा तैयार करना है कि हमको कि ध्यान केंद्र खोलने हैं और वो काम आपके हिंदुस्तान में किया है परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने, जिन्होंने अपने भारतवर्ष में जगह जगह आध्यात्मिक केंद्र भी खोले, जगह जगह उन्होंने विश्वविद्यालय भी खोले और जगह जगह उन्होंने विद्या मंदिर भी खोले, जो आज भी संचालित हो रहे हैं और वहाँ पर यही आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जा रही है और साथ में भौतिक शिक्षा भी दी जा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि निरंतर जो कमी हो रही है वो गलत है। हमारे जो जो आध्यात्मिक ढांचे जो हैं, जो ढांचे उन्होंने तैयार किए थे और जो ढांचे जो काम कर रहे थे लगातार
आध्यात्मिक लोगों को बना रहे थे, वो ढांचे में निरंतर कमी हो रही है, वो बढ़ नहीं रहे हैं, अपति कमजोर हो रहे हैं। तो हमें अगर अपनी चेतना को शुद्ध करना है तो हमें सबसे पहले ढांचा बनाना पड़ेगा, उस तकनीक को सीखना पड़ेगा और उसको सीख के उसका आनंद लेना पड़ेगा। एक चीज उदाहरण से आपको और समझाना चाहूँगा, क्योंकि उदाहरण देना बहुत ज़रूरी रहता है चीज़ों को समझने के लिए। मान लीजिए कि आप मैदानी इलाके में हैं और वहाँ पर फल फूल पेड़ पौधे नहीं हैं, रेगिस्तान है, मैदानी इलाका है, वहाँ पर कुछ नहीं है और आपको भूख लगी है, और नदी के उस पार पेड़ पौधे हैं, फल लगे हैं और वहाँ पे आपको जाना है क्योंकि आप अपनी भूख को मिटा सकें, तो आप कैसे जाएंगे? नदी को तैर के, ठीक, उसमें शक्ति ज़्यादा लगेगी क्योंकि नदी में तैरना शक्ति ज़्यादा लगेगी, हो सकता है कि आप डूब भी सकते हैं, या तो फिर आपको कोई साधन चाहिए, नाव का सहारा ले आप लेंगे तब वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएंगे, आपको डूबने की कोई भी चांस उसमें नहीं रहेंगे, बहुत कम चांस हो जाते हैं, या तो एक ऐसी शक्ति कि आप उड़ के वहाँ पर पहुँच जाएं और भूख शांत कर लें, तो आपको वहाँ पर पहुँचना है। उसी तरह से ये हमारा आध्यात्मिक चेतना वाला सिस्टम रहता है, हमको उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अब कैसे करेंगे? डूब के करेंगे, जब तैर के जाएंगे तो एक साधन चाहिए आपको वहाँ तक पहुँचने का, तो वो एक तकनीक है वहाँ तक पहुँचने की कि आपको वहाँ तक पहुँचा आसानी से पहुँच सकें, तो तकनीक के माध्यम से आप बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो तकनीक है भावातीत ध्यान। और जब आप उसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द परिणाम आपको मिल जाते हैं। जब आपको ये तकनीक सिखाई जाएगी उसी दौरान आपको ये आभास, उसका अनुभव होने लगेगा कि ये ध्यान का अनुभव अच्छा है कि ये खराब है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, अनुरोध भी करूँगा कि आप इस तकनीक को सीखिए, क्योंकि आज भी इस तकनीक को सीखने के लिए हमारे देश में केंद्र हैं, कम हैं लेकिन हैं ज़रूर। और आध्यात्मिक बनिए, और जब आप अपनी चेतना को शुद्ध कर लेंगे तो आप उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे जिसको हर एक आदमी प्राप्त करना चाहता है, और अपने जीवन को आनंदमय भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इस समय इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में अगर आप अपने फिर से प्रश्न करते हैं तो उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे उनका आंसर देने के लिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे पुनः फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।